सबसे पहले रुख करूंगा अपने मेहमानों की तरफ। दुनिया के सामने कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, साजिश के तहत हुआ था। 3 तारीख को मैं ऊपर ईश्वर की कृपा से मैं बच गया, लेकिन आज भी मेरी जान को खतरा है। मैंने उस दिन हॉस्पिटल में भी कहा था कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, 3 महीने बीत जाने के बाद भी मुझे जो है सुरक्षा नहीं दी गई है। 27 दिसंबर को न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने इस खबर को दिखाया था। 27 दिसंबर के बाद 28 या 29 दिसंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से जरा प्रमुखता से इसे स्क्रीन पर दिखाएं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को दिखाया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह से सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए किसान नेता को, जो खबर न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने ब्रेक की थी। प्रमुखता से दिखाया और बताया कि आज भी सुरक्षा नहीं मिल रही। एक तरफ उधम सिंह नगर के एसएसपी लिख रहे हैं और दूसरी तरफ लखीमपुर के एसएसपी। यह चिट्ठी स्क्रीन पर आ चुकी है और यह चिट्ठी आपके सामने है, यह चिट्ठी है। अब मुझे एक बात बताइए, यह पूरा वाक्य जो मैंने आपके सामने रखा, जो तेजिंदर जी की जुबानी था, मैंने हूबहू वही बोल दिया, आपको हैरानी हुई? हैरानी हुई कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही है कि उधम सिंह नगर की पुलिस सुरक्षा देगी, और उधम सिंह नगर की पुलिस कह रही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सुरक्षा देगी, आपको हैरानी हुई? संदीप दुबे जी, जो हमारे यहाँ जो कानून है, जो कानून काम करता है, मैं पेशे से वकील हूँ, तो जो ये विटनेस प्रोटेक्शन की बात होती है, तो क्या होता है, जो आईओ होता है संबंधित, या जिस थाने में वो रह रहे होते हैं, जहां से आवेदन देते हैं, वहां जो थाने का एक जो आईओ होता है, पुलिस ऑफिसर्स होता है, उनको जरूर उनका नंबर मिला होगा कि वो कहीं भी जाए तो उनको सूचित करें और उस जगह पे उनको प्रोटेक्ट करेगी सरकार। तो सरकार ऑलरेडी उनको प्रोटेक्शन के लिए तैयार है और उनको प्रोटेक्ट भी कर रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमें थोड़ा हम लोगों से भी गलती हो रही है, आपसे हमसे, ऐसी स्थिति में जहां लखीमपुर खीरी के एसएसपी, सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च लाइन, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है साहब, उसको मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, ये कौन सी गाइडलाइंस है, ये कौन सी गाइडलाइंस है जिसे सुरक्षा की जरूरत है? वहां पर लखीमपुर के खीरी एसएसपी कह रहे हैं कि भैया सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, उधम सिंह नगर के एसएसपी कह रहे हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये यूपी पुलिस का काम है, ये कौन सी गाइडलाइंस है सर? नहीं नहीं, ये इसको इस तरह से इस विषय को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। सबका ज्यूरिडिक्शन है, हर पुलिस ऑफिसर का, थाने का, जो प्रशासन है, कानून में काम करने वाले लोग हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी, आप कहीं जाए तो उससे जाने से पहले सूचित कर लें। और अच्छा। सुप्रीम कोर्ट का तो साफ, ये कौन सी पुलिस हिफाजत करेगी, जो कोर्ट ने कहा, जो कोर्ट ने कहा मुझे सिर्फ उस पुलिस का एड्रेस बता दीजिए, वो उधम सिंह नगर की पुलिस होगी यानी उत्तराखंड की होगी या यूपी की होगी, दोनों में से कौन सी पुलिस होगी? आप उनको लाइन पे लीजिए ना, आप उनको लाइन पे लीजिए, जो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, जो साहब हैं, उनको लाइन पे लीजिए, उनको पुलिस ने कोर्ट के जो आदेश हुए होंगे वो किस जगह के आदेश हैं, वहां की पुलिस 100% पालन करेगी, नहीं तो वो तो पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हो जाएगा। पालन कर रही है, 2 घंटे नहीं लगाए, पालन कर रही है पुलिस, पालन कर रही है पुलिस, ये कटिंग दिखा रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया की, बिल्कुल पालन कर रही होगी, और पुलिस टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग दिखा रहा हूँ मैं आपको, हम लोग विषय को, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग दिखा रहा हूँ मैं आपको, हमारी खबर ब्रेक करने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को चलाया। नहीं नहीं, आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस खबर को गलत तरीके से लिखा हुआ है, उनको मुझे लग रहा है विपक्ष के राजनेताओं द्वारा, विपक्षी पार्टियों द्वारा ज्यादा डरवाया जा रहा है, वो डरे हुए, वो डरे नहीं, वो निर्भीक रहे, कोई कुछ उनका नहीं करेगा, विपक्ष डरा रहा है, पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान कर रही है और करेगी, विपक्ष डरा रहा है। चर्चा पता क्या है संदीप दुबे जी, उत्तराखंड में चर्चा ये है कि नए नवेले मुख्यमंत्री जी अपने करीबियों को, चिंटू मिंटू को सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन जिन्हें सुरक्षा चाहिए उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। ये गलत एलिगेशन, देखिए हम राजनीतिक लोग हैं, इस तरह के भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है और न्यायपालिका के आदेश का पालन करना उपलब्ध करवा सकते हैं, सभी पुलिस का कर्तव्य है और वो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। ओके, मैं अभी करेक्ट कर देता हूं। जब मैं उधम सिंह नगर पहुंचा, तब मेरे का तेजिंदर सिंह विर्क से मिलने की जिज्ञासा जागी। मैं जब उनके घर पे पहुंचा सवित मलिक साहब, तो उनके घर पहुंचने से पहले एक चौराहा आता है,
मैंने चौराहे पर पूछा कि ये तेजिंदर पाजी का घर कहां पर है, वहां से एक बच्चा आया चौराहे से, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां पर उस घर तक लेकर गया, उस घर तक, वहां कोई सुरक्षा, किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं दिखाई दी। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, अब तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को छाप दिया, जो खबर मैंने 27 तारीख को दिखाई, अब एसएसपी उधम सिंह नगर कह रहे हैं कि भैया मेरी जिम्मेदारी नहीं है, यह जिम्मेदारी लखीमपुर खीरी पुलिस की है। आप लोग सीरियसली क्यों नहीं ले रहे इस पूरे मसले को मलिक साहब? तिलक चावला जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने इस अहम मुद्दे को उठाया और आप ग्राउंड जीरो तक गए, आपने ऐसी ठंडी में और अपनी जान को खतरे में डालते हुए बोर्डर पर गए और सारी चीजों को आपने उठाया। आपके उठाने के बाद टाइम्स नौ जैसे पेपर ने भी इसको अपनी हेडलाइन बनाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब किसान जो है अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार हर जगह उसको गुमराह करने का काम कर रही है, धोखा देने का काम कर रही है। और विक्र जी तो उस गाड़ी के सामने आने वाले शख्स थे जो टक्कर लगने के बाद बोनट के ऊपर गिरे थे, वही तेजेंद्र सिंह विक थे, और ये बराबर में लुढ़क गए तो इनकी जान बच गई। हम लोग किसी तरह उनके साथ गलत नहीं होगा, ये मैं आपको आश्वासन संदीप देना चाहता हूं। अभी तक उनको डरने की जरूरत नहीं है। संदीप दुबे जी, आश्वासन देता हूं। मैं आपको, मैं एक सेकंड, ये झूठे लोग हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, ये राजनीति को कोई बयानबाजी नहीं है। आप किस बात का आश्वासन दे रहे हो? आपके साथ अच्छा हो, पॉलिटिकल माइलेज लेने वाली बात है क्या साहब? मैं जब इंटरव्यू ले रहा था तेजिंदर जी का, तब न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर बातचीत करते हुए तेजिंदर जी रो पड़े। जानते क्यों? जानते क्यों संदीप दुबे जी? आप कह रहे हैं ना कि गारंटी है, ये बयान सुनिए और फिर उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, प्लीज प्ले करिए। देखो 3 अक्टूबर को याद करके आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि मैं तो बच गया, लेकिन मेरे साथ 18 साल का लवप्रीत था, 22 साल का दलजीत था, 79 था, 58 साल के वो रिटायर फौजी थे, वो रमन कश्यप था, वो गुरविंदर था 22-23 साल का। उनको जब याद करता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं अभी भी मेरे आंखों के सामने वो 3 अक्टूबर का 3 बजे का समय आता है कि हे ईश्वर, तूने क्या किया कि मेरे साथ के साथियों को ले गया। वह एक नरसंहार था और ऐसी घटनाओं को देख के मैं तो खुशनसीब नहीं समझता अपने आप को कि मैं बस क्यों गया, क्यों मैं भी उनके साथ शहीद क्यों नहीं हो गया। किसान नेता रो रहा है, मेरे पास शब्द नहीं थे संदीप दुबे जी, मैं उनसे अगला सवाल कर लूं, मेरा हौसला जवाब दे रहा था, उनके आंसू बह रहे थे, आंसू बह रहे थे उनके। अब उनको ये, मैं कौन सी गारंटी की आप बात कर रहे हैं, जब एसएसपी लखीमपुर खीरी लिख रहे हैं, उधम सिंह नगर के एसएसपी आपके सामने बोल रहे हैं कि मेरी गारंटी नहीं है, यूपी पुलिस की है, अब आप कौन सी गारंटी ले रहे हैं, कौन सी गारंटी ले रहे हैं? आप उन्हीं को एड्रेस करिए, मुझे मत करिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर वो है तो उत्तर प्रदेश सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो विटनेस प्रोटेक्शन है उस प्रोटेक्शन के लिहाज से वो कहीं भी अगर उत्तर प्रदेश के बाहर जाते हैं तो जो एसपी हैं और जो आयु का नंबर से नगर के एसएसपी यानी उत्तराखंड कराया जाएगा, उत्तराखंड के एसएसपी कह रहे हैं, डायरेक्शन जो सर्वोच्च न्यायालय का होगा उसका पालन पुलिस करेगी, हो रहा है उसके लिए पुलिस बात दे दुबे जी, हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन नहीं दे सर, रहे सर, नहीं मिली हुई प्रोटेक्शन है, अगर उनको जरूरत पड़ती ये टाइम्स ऑफ इंडिया तो पढ़ लो, सेंट्रल पुलिस, मैं गलत बोल रहा हूँ तो टाइम्स ऑफ इंडिया तो पढ़ लो, कहीं भी जाए उनको प्रोटेक्ट किया जाए, वो भी किया जाएगा, लेकिन इसके लिए उनको कोर्ट को सूचित करना पड़ेगा।